तो ये होता है प्यारा नज़ारा। ये देखिए प्यारा सा सनसेट हो रहा है। एक मिनट, मैं बस सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा है, समंदर, बीच और नज़ारे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ पल्लव और आपका स्वागत है फिर से द टू एक्सप्लोरिंग सोल्स में। माय बेटर हाफ, माय अदर हाफ इज़ नॉट हियर विथ मी राइट नाउ, बट हाँ इस बार मैं आया हूँ व्लॉग, अनोखा व्लॉग जो है सोलो ट्रिप पे। तो लोकेशन में सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मैं हूँ गोवा में, अभी फ़िलहाल मैं हूँ कैंडलिम बीच पे। तो ये व्लॉग एक बड़ा ही यूनिक सा व्लॉग है। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं आपको गोवा के बारे में बताने वाला हूँ। गोवा हर कोई जानता है, हर कोई अपने हिसाब से घूमता है, मैं भी अपने हिसाब से घूम रहा हूँ। गोवा में हर किसी को पता है कि क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी, क्या क्या प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं। सबको एक्सप्लोर्ड गोवा भी पता है, सबको अनएक्सप्लोर्ड गोवा भी। अभी यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के, तो वो भी पता है। तो ये व्लॉग एकदम ही यूनिक है। मैं कोई प्लेस आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं बस अभी कैंडलिम पे हूँ और मैं बस आपसे कुछ बातचीत करूँगा। तो ये है हाउ टू ट्रैवल सोलो, ये व्लॉग रहेगा कि सोलो आप जब भी ट्रैवल करते हो, सोलो ट्रिप पर जब भी जाते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल आई विल बी कवरिंग इन दिस व्लॉग। तो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, लोकेशन। लोकेशन कैसी होनी चाहिए, लोकेशन क्या सिलेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये सरासर आपके ऊपर रहेगा कि आपको किस टाइप की लोकेशन पसंद है। आप लोग बर्फ़ वाली जगह जा सकते हो, हिल स्टेशन जा सकते हो, बीच पे आ सकते हो। तो जो आपको लोकेशन पसंद है, आप लोकेशन क्लियर करो। मेरा तरीका मैं बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ। मैं लोकेशन फाइनलाइज़ करता हूँ सोलो ट्रिप पर जाने के लिए। मैंने सिलेक्ट कर लिया, सपोज़ मेरे को गोवा आना है। अब गोवा में क्या क्या प्लेसेस मैं जाके एक्सप्लोर कर लेता हूँ, आई ऑलवेज़ हैव माई डायरी एंड पेन विथ मी। मैं जब भी बाकी ट्रिप भी अपने प्लान करता हूँ, मेरे पास एक स्केच रेडी होना चाहिए। तो आई ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर अ स्केच विथ मी कि मेरे को जाके करना क्या है। सो बेसिकली मैं एक आइटनरी प्रिपेयर करता हूँ कि भाई गोवा पहुँचेंगे, कौन से होटल में चेक इन करना है, क्या क्या प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं। आप 3 दिन के विजिट पे आए हो तो 3 दिन में क्या क्या चीज़ें कवर होगी। तो पॉइंट नंबर 2, आप जा कैसे रहे हो। सो ट्रैवलिंग बजट प्लान, आप हमेशा बजट प्लान कर सकते हो। आपका कितना बजट है डिपेंड्स अपॉन द डेस्टिनेशन आप जहाँ जा रहे हो। अगर फ़्लाइट बजट में अगर आपने प्री प्लान चीज़ें कर रखी है तो फ़्लाइट से जा सकते हो। फ़्लाइट की टिकट्स 2500 से लेके वैरी करती है हाई रेंज तक, तो प्री प्लान बस होना चाहिए। एक पर्सनल एडवाइस जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं फ़्लाइट्स बुकिंग करता हूँ, आपके ट्रैवल डेट से एग्जैक्ट 1 महीना पहले, सपोज़ मैं 6 तारीख के अगले महीने मेरे को ट्रैवल करनी है, तो मैं एग्जैक्टली 6 तारीख को, सपोज़ आई एम ट्रैवलिंग ऑन 6th of December, सो 6th of November मैं क्या करूँगा, मैं फ़्लाइट की बुकिंग्स करूँगा उस डेट पे। एग्जैक्ट 1 मंथ प्रायर टू योर डिपार्चर फ़्लाइट की रेट्स थोड़ी आपको कम मिलती है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि एग्जैक्ट 1 मंथ पहले आपको फ़्लाइट की बुकिंग कम मिलेगी, प्राइस कम मिलेगा। तो आप गो आई बी से करो या मेक माई ट्रिप से करो, booking.com से करो, जो भी आपकी फ़्लाइट के आप जो भी प्रेफरेंसेज यूज़ करते कर सकते हो, 1 महीना पहले रेट्स कम रहते हैं। ट्रेन की बुकिंग आप कर सकते हो, बस कर सकते हो, तो जो आपको कन्वीनियंट है आप वो चीज़ उसमें कवर कर लेना, आपकी ट्रैवलिंग उस हिसाब से प्लान आउट कर लेना। पॉइंट नंबर 3, होटल। तो अभी आपने सोच लिया डेस्टिनेशन हो गई, आपने सोच लिया आपको ट्रैवल कैसे करना है, थर्ड पॉइंट पे हमेशा आओ कि आप किस टाइप के अकोमोडेशन में रहना चाहते हो। आजकल इतना कन्वीनियंट हो गई ये चीज़ें कि आपको हॉस्टल्स भी मिल जाते हैं। सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप इंडिविजुअली आकर एक रूम बुक करोगे तो भाई वो 1,500, 2,000, 3,000 डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी एंड द लोकेशंस, किस लोकेशंस पे आप बुकिंग कर रहे हो। आजकल हर लोकेशंस पे आपको हॉस्टल्स और हॉस्टल्स मिल जाएंगे, बिंदास जाओ, डॉर्मेटरी रूम्स रहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, बस रात को सोने के लिए जाना है, हॉस्टल बुक करो और बुकिंग फिनिश। तो मैं अपनी बुकिंग भी हॉस्टल के थ्रू ही कराता हूँ, कन्वीनियंट रहता है एकदम, अरेंजमेंट्स अच्छी रहती है, आपको नींद अच्छी लग जाएगी। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि दिन भर घूमने के बाद में आपको आके आपकी नींद कंप्लीट करनी है, तो हॉस्टल वुड बी अ बेस्ट प्लेस। पॉइंट नंबर 4, आइटनरी। सो बेसिकली जो मैंने अभी बताया कि आप उस लोकेशन पे जाके क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लो, गूगल करो 10 best places to visit in Goa, 10 best places to hang around in Rajasthan, जो भी आपका आप जहाँ पे भी जाने का मन कर रहे हो, 10 best places, 15 best places, आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगी। मैं हाल ही में जयपुर गया था तो लिंक में मैं शेयर कर रहा हूँ, जयपुर के 11 best places मैंने कवर किए, आप वो चेक कर लेना। दिल्ली में मैंने 2 दिन में पूरा दिल्ली एक्सप्लोर किया, दिल्ली के क्या क्या प्लेसेस आप जा सकते हो उसके भी मैं लिंक शेयर करूँगा, वो भी आप देख लेना। तो ऐसे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, थाईलैंड की चीज़ें, तो आप रिसर्च करो पहले घर बैठ के कि क्या क्या प्लेसेस है।
एक मैप बना के रखो, एक ज्योग्राफी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आपका अकोमोडेशन इस एरिया में है तो इस एरिया से वो लोकेशन कितना दूर है। सो यू शुड टेंटेटिवली हैव अ आइडिया कि भाई ये चीज़ 10 किलोमीटर पे है, ये चीज़ 20 किलोमीटर पे है। अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर कन्वेंस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड कन्वेंस। अब जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस की, तो जैसे गोवा, अभी मैं फ़िलहाल गोवा में हूँ तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे बाइक्स कार रेंट पे मिल जाती है। आपको डिपॉजिट ज़रूर देना पड़ता है। तो मैंने अभी एक्टिवा रेंट पे ली हुई है। एक्टिवा की प्राइस है मेरे को पर डे 300 रुपीज़ और डिपॉजिट मेरे को देना पड़ा 500 रुपये। वो आपका KYC लेंगे, आधार कार्ड या जिस पे एड्रेस प्रूफ होगा वो आपको आपका लेंगे। और जब आप बाइक वापस रिटर्न करोगे, एक्टिवा मोपेड टू व्हीलर जब रिटर्न करोगे तो आपको आपका KYC वापस रिटर्न लौटा देंगे। तो ये चीज़ याद रखना, गोवा में तो आपको बाइक्स रेंट पर मिल जाएंगी। जयपुर में ई रिक्शा की सुविधा बड़ी अच्छी है, ई रिक्शाज घूमते रहते हैं। दिल्ली में ई रिक्शा की सुविधा अच्छी है, दिल्ली में साइकिल रिक्शा की सुविधा अच्छी है, मेट्रोज बड़े अच्छे हैं, कन्वीनियंट है। मैंने पूरा दिल्ली मेट्रो के थ्रू कवर किया है। मेरे को दिल्ली शहर इतना पसंद आया कि दिल्ली में आई लव्ड द दिल्ली मेट्रो का मैप। इतनी प्यारी कनेक्टिविटी है, रेड लाइन से ब्लू लाइन, ब्लू लाइन से येल्लो, येल्लो से पिंक। मतलब ये लाइन देख के मैं पगला गया और इतना प्यारा था। तो कनेक्टिविटी का कोई आपको इशू नहीं आएगा, कनेक्टिविटी आप लोकली वहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑटो रिक्शास मे बी दे कैन चार्ज अ लिटिल हाई, बट आप नेगोशिएट कर सकते हो। मैंने नेगोशिएट किया था दिल्ली में, मेरे को एक लोकेशन पे कुछ 5-6 प्लेसेस थे तो मैंने नेगोशिएट करके, मेरे को उन्होंने 500 रुपये बोला था, मैं नेगोशिएट करके 200 रुपये पे सेटल ऑफ हो गया था। तो ऐसी भी प्लेसेस होती है, आप नेगोशिएट बिंदास कर सकते हो। और हमेशा आपका कॉन्फिडेंस दिखाना, कि ऐसा मत बोलना कि आप नए हो सिटी में। टेल देम दैट यू नो अबाउट द प्लेसेस बिकॉज योर मैप इज रेडी वेयर ऑल यू वॉन्ट टू गो। आपको जहाँ जाना है आपका मैप रेडी है तो वो आपके घूमने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि मैप रेडी रखे, कन्वेंस आपका ईजी रहेगा, ट्रांसपोर्ट आपका ईजी रहेगा। अगला पॉइंट, खाना पीना। भाई खाने पीने की वैसे तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर टूरिस्ट प्लेसेस पे वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। कुछ रीजनेबल रहते हैं, कुछ हाई प्राइस के रहते हैं, तो आपको खाने पीने की भी दिक्कत कहीं नहीं आएगी। यू कैन गो एंड जस्ट एन्जॉय योर फूड। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या बेसिक चीज़ें कैरी करनी चाहिए सोलो ट्रैवलिंग के वक्त। तो भाई एक पर्सनल सजेशन है कि जब भी सोलो ट्रैवल करो, ज़्यादा चीज़ें कैरी मत करना, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा आउटफिट, ज़्यादा कपड़े कैरी मत करना। एक जीन्स रखो, एक शॉर्ट्स रखो, एक ट्रैक पैंट रखो और 3 टी शर्ट्स या 3 शर्ट, वॉट एवर यू आर कम्फर्टेबल इन। लड़कियाँ भी, लड़कियों के लिए भी आप 3 ड्रेसेस रख लो, या जो भी आउटफिट आपको पसंद है, आप पर्सनली कम्फर्टेबल, जिसमें भी आप कम्फर्टेबल हो, 3 ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा रख लेना। मैं मिनिमलाइजेशन में बहुत बिलीव करता हूँ कि कम चीज़ें लेके जाऊँ, क्योंकि कैसे होता है, हम नए सिटी जाते हैं, नए प्लेस एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ पे लोकली भले ही वो चीज़ें हमें अपने शहर में भी मिलती है, बट वो एक अट्रैक्शन रहता है शॉपिंग करने का। तो आप शॉपिंग भी बिंदास कर सकते हो। तो आप नेक्स्ट, धूप वाली जगह है या नहीं भी हो, एक हैट ज़रूर कैरी करना, बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग द प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल। यू माइट लीव द होटल दिन में और अब दिन में एक्सप्लोर कर रहे हो, तो एक हैट होना ज़रूरी है, ठीक है। एक वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करना, वाटर बॉटल हैंडी होनी चाहिए। एक छोटी सैक बैग ले लेना, सैक बैग में बेसिकली आप रख सकते हो आपका हैट रख सकते हो, आपके गॉगल्स रख सकते हो, एक आपके वॉलेट हो गए, पर्स हो गया, जो भी आप कैरी करते हो, कुछ पैसे हो गए। अभी डिजिटलाइज वर्ल्ड है, सारी चीज़ें ई सुविधा पे चलती है, जीपे पेटीएम चलती है, हर जगह पे स्कैनर रहते हैं। तो पैसे एक इमरजेंसी के लिए, मैं पर्सनली सिर्फ 1000 रुपये वॉलेट में रखता हूँ और बाकी हर जगह मैं गूगल पे करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे गूगल पे हो रहा है वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दो इमरजेंसी के लिए। अगर कहीं कुछ लग जाए तो आपके पास कैश थोड़ी हैंडी होनी चाहिए, तो वो रख लो। मैं एक पेयर ऑफ़ चप्पल शूज़ पे ट्रैवल करता हूँ और एक पेयर ऑफ़ चप्पल मैं सैक में रखता हूँ, सो दैट कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ पे जैसे रेत में मैं घूम रहा हूँ तो मैं शूज़ पहन के तो रेत में नहीं, सैंड पे नहीं जा सकता, तो मैंने जैसे अभी चप्पल पहनी हुई है, तो दैट बिकम्स कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर यू। एक नैपकिन रख लो, धूप में पसीना है या फिर कहीं आपको मुंह धोना है, कहीं फ्रेश होना है, तो नैपकिन आपके पास रहेगा। वेट वाइप्स रख सकते हो, आपका कोम्ब, बेसिक कोम्ब और डिओड्रेंट आप कैरी कर सकते हो, और आपका मोबाइल कैमरा, सेल्फी स्टिक, GoPro, जो भी आप यूज़ करते हो। तो एक छोटी सी बैग हैंडी रख के आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो और आराम से घूम सकते हो। अब कई जगह पे बैग्स और लगेजेस ले जाना, जैसे टेंपल्स में हो गया या मॉल्स में हो गया, प्लेसेस जो प्लेसेस में जा रहे हैं वहाँ पे शायद मॉल हो सकता है, मॉल में आपको जाना पसंद हो, तो अंदर शोरूम में अंदर जाने से पहले, या फिर टेंपल्स में, कई सारे टेंपल्स में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहाँ अंदर जाने से पहले आपको बोलते हैं कि बैग या लगेज जो भी आप कैरी कर रहे हो वो काउंटर पर छोड़ दो और आप अंदर जाओ। तो आपको हमेशा एक डर लगा रहता है, यार सेफ़ रहेगा नहीं रहेगा, इतनी बड़ी बैग है,
छोटी सी बैग है, क्या ही फ़र्क पड़ता है अंदर ले जाए, एक मोबाइल ही तो है, कैमरा है। तो इसमें मेरा एक एडवाइस है कि अगर जहाँ पे भी ऐसे लॉकर के सिस्टम रहते हैं, आप बिंदास लॉकर ले लो, अपना जो भी कीमती सामान है आप उस लॉकर में डाल सकते हो और आपको लॉकर की चाबी ज़रूर मिलेगी। तो जो चाबी मिलती है, अब मैं क्या करता हूँ, ये चाबी भी मैं रखूँ कहाँ अगर जेब में जीन्स नहीं, जैसे लड़कियों के कपड़ों में अगर सूट पहन रही है तो चेन वाले पॉकेट्स नहीं रहते, शॉर्ट्स है अगर लड़के भी शॉर्ट्स पहन रहे हैं या ट्रैक पैंट्स पहन रहे हैं तो पॉकेट्स नहीं रहते, बेसिकली जहाँ पॉकेट्स का प्रॉब्लम है। बेस्ट सोल्यूशन है, आप वॉच तो कैरी कर रहे हो, वॉच में आप अपनी की हैंग कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, बहुत कन्वीनियंट है, इसको निकालना भी कोई टफ नहीं होता, तो चोरी वोरी का भी मामला नहीं है, आपकी चीज़ें भी सेफ है, आपका घूमना भी सुकून में हो जाएगा। अब हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास में एक लगेज होता है, एक बैकपैक रहेगा और एक सूटकेस रहेगी। तो क्या होता है ना, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हो या बस स्टॉप पे बैठे हो या एयरपोर्ट में हो, एयरपोर्ट में तो चलो आपने बड़ा लगेज तो लगेज में दे दिया, अंदर भिजवा दिया, तब भी एक बैकपैक रहता है या फिर कोई और हैंडबैग रहती है। अब यहाँ पे आपको एकदम से दिक्कत आ गई है वॉशरूम जाने के, तो वॉशरूम में कहाँ इतना बैग इतना सामान लेके, खास करके रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे कहाँ सामान लेके हम वॉशरूम में जाए। सो उसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप एक छोटा बैग हैंडी करो, बैकपैक हमेशा साथ में रहे, सो दैट वॉशरूम में जा रहे हो तो बैकपैक बिकम्स अ कन्वीनियंट ऑप्शन कि आप ट्रैवल सेव कर रहे हो, आपको चोरी वोरी का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा और पता नहीं कहीं यहाँ से मेरा सामान कोई चुरा के तो ना ले जाए, तो ये डर भी नहीं रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, बैकपैक एक बैग हैंडी रखना। अब क्या है ना, मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, मतलब सोलो ट्रैवल मैंने करना स्टार्ट किया है, तो सोलो ट्रैवलिंग में मेरे को लोग पूछते हैं कि भाई तू फिर वीडियोस तो निकालता है, ठीक है वीडियोस तू अपने सेल्फी स्टिक से या गोप्रो से निकालता है, फ़ोटोज़ तू सीनिक ब्यूटी के निकाल गया वो भी ठीक है, तो अपने खुद के फ़ोटोज़ निकालने का तेरा मन नहीं करता क्या? जैसे लड़कियाँ भी बहुत सारी सोलो ट्रैवलर्स रहती है, लेकिन लड़कियों को भी बहुत शौक रहता है फ़ोटोज़ निकालने का और लड़कों को भी रहता है फ़ोटोज़ निकालने का। तो मैं अपने खुद के फ़ोटोज़ कैसे निकालता हूँ, मैं मेरा एक छोटा ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड में वो बैकपैक में रखता हूँ और मैं ट्राइपॉड स्टैंड लगाता हूँ, मैं अपने फ़ोटोज़ निकाल लेता हूँ। फिर है ना, क्या होता है कि आप सोलो ट्रैवल करते रहते हो, आप हर जगह पे अकेले ही घूमते हो और फिर 3 दिन का ट्रिप हो या 5 दिन का ट्रिप हो, तो एक सवाल और सोलो ट्रैवलर से पूछा जाता है कि भाई तू बोर नहीं होता अकेले ही घूम रहा है? तो भाई मैं तो बिल्कुल बोर नहीं होता, मैं तो अपना मी टाइम बड़ा ही एंजॉय करता हूँ, बिकॉज चाहिए रहता है रोज़मर्रे की ज़िंदगी में आपको अपना मी टाइम। अब ये मी टाइम क्यों चाहिए रहता है, क्योंकि आप इसमें अपने आप को ढूंढते हो, आप अपने बारे में कई सारी चीज़ें डिस्कवर करते हो, अपने बारे में कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो और एक अलग सा कॉन्फिडेंस खुद में जग जाता है। अब जैसे मेरे आवाज़ में आप नोटिस कर पा रहे हो, मेरे अंदर एक अलग सा जुनून है अभी कि यार मैं घूम रहा हूँ, मतलब हाँ घर वालों की याद में बड़ी करता हूँ, मैं वृशाली को कॉल्स भी करता हूँ, उसको चीज़ें मैं बताता भी हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने आप को ढूंढ रहा हूँ, ये बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग ये चीज़ सोलो ट्रैवलिंग में नोटिस करना कि आप जब भी अकेले घूम रहे हो ना, आपको दुनिया का अलग अलग नज़रिया दिखेगा। अब क्या होता है, बोर तो मैं नहीं होता हूँ क्योंकि मैं जाता हूँ तो लोग मेरे को खुद ही आके पूछ लेते हैं, आर यू अलोन, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? तो मैं बोलता हूँ यार ठीक है, मतलब मैं समझता हूँ, देखता हूँ, इंसान को परखता हूँ, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हूँ कि कैसे लोग कैसे रहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, मैं उनके साथ क्या बात करूँगा, क्योंकि मैं ना ही एक्सट्रोवर्ट हूँ ना ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बीच वाला हूँ, एम्बीवर्ट कह सकते हैं, कि अगर मैं खुल गया तो मैं बहुत खुल जाता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं बहुत कम लोगों से बात करता हूँ। तो अगर कोई मेरे को मिल जाए तो मैं उनसे देखता हूँ, अगर इंसान मेरे को अच्छे लगे, आई जज या आई डू जज पीपल, बट वन आई नो देम देन आई स्टॉप जजिंग देम, अनलेस एंड अंटिल आई नो देम आई डू जज देम, सो डोंट जज मी ओवर दिस, बट या यू कैन, योर चॉइस। सो मैं फिर मेरे को कोई ना कोई मिल ही जाता है, उनके साथ मैं बातचीत थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, आई अवॉइड कि मैं उनके साथ कहीं घूमने जाऊँ, उनके साथ कहीं हैंग आउट करूँ, क्योंकि भाई ये मेरा सोलो ट्रैवल है, मैं खुद ही एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो ठीक है, कहीं किसी प्लेस पे पहुंच गए, कोई जगह पे पहुंच गए तो बातचीत तो ज़रूर कर लूँगा, बट मैं उनके साथ ही नहीं बैठ जाऊँगा। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको मज़ा आता है, बैठ जाओ और कंटिन्यू करो, आपको क्या पता कुछ नए दोस्त मिल जाए, नए दोस्त मिलने की भी खुशी अलग होती है कि भाई मैं जयपुर गया था और मेरे को नए दोस्त मिल गए, भाई मैं मनाली गया था मेरे को दोस्त मिल गए, भाई दिल्ली में क्या दोस्त है, दिल्ली की जान ही अलग है। तो ये सब, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। अब आखिरी चीज़ कि मेरे को कई लोग पूछते हैं कि भाई तेरे को डर नहीं लगता अकेले ट्रैवल करने में, बस से ट्रैवल कर रहा है, पता नहीं बस रूट कहाँ ले जाए या फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ पे बहुत ही सिक्योरेटेड लोकेशन हो, जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, अंधेरा है। सो एक और चीज़ आप आपके टॉर्च आप आपके बैग में ऐड कर सकते हो, वो है एक टॉर्च, एक कैंडल
एक छोटा सा नाइफ कैरी कर सकते हो या नेल कटर, स्विस नाइफ कैरी कर सकते हो, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, ये सारी चीज़ें हैंडी रख सकते हो। तो जहाँ पे आपको कुछ खतरा ऐसा लगे, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी आजकल क्राइम तो हर जगह चलता है, हर किसी पे चलता है, तो आप ये चीज़ें हैंडी रख सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो तुरंत निकालो बैग से, रेड चिली पाउडर डाल दो, खुश रहो। सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है। सोलो ट्रैवलिंग में ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ घूम रहे हो, फोटोज़ निकाल रहे हो, वीडियोज़ निकाल रहे हो, प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हो। मैं एक और चीज़ करता हूँ जो आप लोग भी अपने विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एक होता है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी सारे लोग करते भी होंगे, मैं एक नॉवेल साथ में रखता हूँ, नॉवेल हैंडी रखता हूँ, वो भी मेरे बैकपैक में रहती है। तो आपको रेस्ट करने का मन करे, भाई ये देखो पीछे बीच है, बीच पे बैठो, मस्त आराम से लेटो और एक नॉवेल पढ़ते रहो और नज़ारे का एंजॉय करो। देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। तो एक आप नॉवेल साथ में रख सकते हो। मेरे को डायरीज लिखने का शौक है, मेरे को मोमेंट्स लिख के कैप्चर करने का बड़ा शौक है, उसको मैं शायरीज में कन्वर्ट करता हूँ और मैं उसको पोएटिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करता हूँ। तो एक्सप्लोरिंग सोल्स की एक और खासियत आप आज इस वीडियो में समझ रहे हो कि जी हाँ दोस्तों, मैं एक पोएट भी हूँ। मैंने दो पोएम्स बनाई हैं आज तक, मेरी तीसरी पोएम अभी बन रही है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो तीसरी पोएम भी ज़रूर आएगी जल्द ही। तो ये चीज़ें भी मैं जब खुद अकेला ट्रैवल करता हूँ तो ये अपने बारे में मैंने समझी है कि मैं लिख सकता हूँ। आई एम अ नोविस पोएट, बिगनर हूँ मैं, इतनी कोई खास नहीं होगी, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन ठीक है यार, इससे मेरे को खुशी मिलती है और जिनके लिए मैंने पोएम्स बनाई हैं उनको बड़ी अच्छी लगे, तो दैट वाज माय इंटेंशन। सो दैट मेड मी हैप्पी कि ये ट्रैवलिंग के कारण ये चीज़ मैंने अपने अंदर एक जानी है। तो आप लोग भी डायरी वायरी रखो, पेन रखो, मोमेंट्स कैप्चर करो। आपको स्केचिंग वेचिंग का शौक है तो आप, जैसे ये ब्यूटी दिख रही है, देखो इस मोमेंट को कैप्चर करो, इस सीन को कैप्चर करो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। कई सारी चीज़ें होते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने बारे में जान सकते हो, तो ये चीज़ें भी आप अपने विश लिस्ट में अभी ऐड करो। एक और सवाल शूट होता है, वो है कि भाई सोलो ट्रैवलिंग, तेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं है क्या, तो अकेले कैसे ट्रैवल कर सकता है? तेरी फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? तेरी वाइफ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? यार दोस्त मतलब किसी के पास भी तेरे पास टाइम नहीं है? भाई ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास मेरे लिए टाइम है, मेरे पास सबके लिए टाइम है। मैं अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से बहुत क्लोज हूँ, मैं सभी से फ़ोन पे, मैसेज पे टच में रहता हूँ, कनेक्टेड रहता हूँ। तो ऐसा नहीं यार मैं ज़िंदगी में अकेला हूँ इसलिए सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, नहीं, ये चीज़ मेरे को एक्सप्लोर करना पसंद है। और ऐसा नहीं कि मैं बड़ा ही फ्रिक्वेंटली अकेले निकल जाता हूँ, मैं बहुत कम फ्रिक्वेंसी में सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। तो मेरे बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों की और मैं फैमिली से भी बहुत कनेक्टेड हूँ, तो भाई सोलो ट्रैवलिंग इज़ नॉट अ बोरिंग थिंग। यू जस्ट नीड टू पैक योर बैग्स, पुल अप योर सॉक्स, टेक ऑफ योर शूज एंड जस्ट रन विद द बैग्स ऑन, एंजॉय करो सोलो ट्रैवल। सोलो ट्रैवल में आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो कि यार अकेले कैसे घूमोगे, डर का चीज़ नहीं होना चाहिए। पहले तो डर, ये सिर्फ ये साइकोलॉजी होता है, मेंटल चीज़ें होती है, डर को निकाल दो। हाँ कई बार डर लग जाता है, बट उसको निपटने की भी अपने पास टेक्निक्स होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस हमेशा रखना ताकि सामने वाला घबरा जाए, इंस्टेड ऑफ आप खुद घबरा रहे हो, तो ये चीज़ याद रखना। ये देखो ब्यूटी, देखो ब्यूटी। तो मैं फिर से बता दूं, मैं हूँ कैंडोलिम बीच पे, सोलो ट्रिप पे आया हूँ और मैं बड़े मज़े कर रहा हूँ। तो अगर आपको म्यूज़िक का शौक हो, म्यूज़िक सुनने का शौक हो, म्यूज़िक बजाने का शौक हो, म्यूज़िक क्रिएट करने का शौक हो, तो सोलो ट्रैवलिंग भी आपको हेल्प करेगा म्यूज़िक को एक नया नज़रिया देने में। आप म्यूज़िक कैसे क्रिएट कर सकते हो ये भी आपको सोलो ट्रैवलिंग में बड़ा ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो मेरे को अभी याद आया है कि मैं एक हेडफोन्स तो रखता हूँ अपने पास कि थोड़ा माइंड रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा म्यूज़िक सुन लूँ। और जैसे मैंने कहा कि मैं पेन पेपर रखना अपने पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, तो मैं जैसे पोएम्स लिखता हूँ वैसे मैं म्यूज़िक भी बनाने का कोशिश करता हूँ। माई म्यूज़िक आर नॉट दैट ग्रेट, नीदर माई वॉइस इज़ सो फैबुलस कि भाई मेरे को लोग खुद सामने से आके बोले भाई पल्लव कुछ गाना सुना। नहीं, एक हाथ दो गाने मैंने प्रिपेयर करे हुए हैं जो मैं गाता हूँ, वो बड़े ही अच्छे से गाता हूँ। दैट आई कैन प्राउडली से कि मेरे कुछ दो तीन गाने हैं जो मैं बहुत अच्छे गाता हूँ। तो सोलो ट्रैवलिंग में मैं अकेले चलते चलते गाते रहता हूँ, सो दैट थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, आवाज़ आपकी खुल जाती है, गाने में आपकी आवाज़ साफ लगती है और लोग आपकी फिर तारीफ़ करते हैं, और तारीफ़ किसको नहीं पसंद है। तो म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी, डांस इज़ अ थेरेपी, सोलो ट्रैवलिंग इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। आप खुद को जान सकते हो, समझ सकते हो, तो सोलो ट्रैवलिंग बड़ा फन है यार। मैं एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ, थोड़ा बोर लग रहा होगा लेकिन यार सोलो ट्रैवलिंग है इतना मज़ेदार कि आपको अभी प्लान आउट करना चाहिए और जाओ यार एक ट्रिप तो मार के आओ सोलो ट्रैवलिंग। और जब आप सोलो ट्रिप करोगे, आपकी सोलो ट्रिप हो जाएगी अगर आप
मेरे कहने पे या मेरी एडवाइस अगर आपने 1% भी ली हो तो मेरे को ज़रूर मैसेज करना। यूट्यूब पे आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल पे मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो, कॉल कर दो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी द टू एक्सप्लोरिंग सोल्स पे आप मेरे को DM भी कर सकते हो। तो भाई मेरे को आपके फीडबैक ज़रूर बताना कि आपकी सोलो ट्रैवलिंग कैसी रही, और अगर इन केस आपको ट्रैवलिंग प्लान करने में कोई दिक्कत आती है तो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको खुद एक आइटिनरी बना के दूंगा। मेरे को बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ों। तो अगर आपको ये सोलो ट्रैवलिंग के ये कुछ टिप्स अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और दोस्तों सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब ज़रूर करो यार चैनल। मैं वीडियोस अलग अलग वीडियोस बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं खुद एंजॉय करता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस मेरा फर्स्ट व्लॉग से इस वाले व्लॉग तक काफ़ी बढ़ चुका है, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, और होपफुली मैं आपको भी एंटरटेन कर पा रहा हूँ, आपको भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, जो मेरा बस मेरा मोटिव जो है वो मैं बस कर रहा हूँ कि। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसको ज़रूर शेयर करो, और खुश रहो दोस्तों। टू एक्सप्लोरिंग सोल्स हमेशा आपको ऐसे ही वीडियोज़ बना के भेजते रहेगा, आप देखते रहो और सोलो ट्रैवलिंग एंजॉय करो।